हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे कुकिंग टिप्स जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में आपका खाना को बेहद टेस्टी बना सकती है। तो देर किस बात का, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन टिप में देखेंगे, सब्जी बनाते समय गरम तेल में लहसुन डालने की बजाय अगर हम लहसुन को बारीक कूट कर उसमें मसाले मिलाकर और थोड़ा पानी मिला के उसको मिक्स करके अगर भुने जीरे और प्याज जो भी आपने भुना हो ऑयल में डाले तो सब्जी में जो कच्चे कच्चे लहसुन की खुशबू आती है ना, स्वाद में चार चंद लगा देती है। अगर लहसुन को हम ऑयल में जीरे के साथ पकाते हैं तो अक्सर वह जल जाता है और सब्जी में कड़वा स्वाद देता है। साथ ही काले काले जले लहसुन की सब्जी में साफ नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैं लहसुन ऐसे ही डालती हूँ हमेशा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है सब्जी इस तरीके से। और नंबर टू टिप में देखेंगे, कढ़ी बनाते समय अगर तड़के में थोड़ी हींग और प्याज डालने के बाद भुना जीरा पाउडर मिलाया जाए तो कढ़ी बेहद स्वाद बनती है। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो पड़ोसी के लिए भी बनानी पड़ती है, क्योंकि उनको तो खुशबू आ ही जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा कढ़ी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और थ्री नंबर टिप में देखेंगे, आलू की सब्जी कुकर में बनाने की बजाय अगर खुली कढ़ाई में पकाई जाए तो उनकी ग्रेवी अच्छी आती है और सब्जी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। तो ये भी अच्छा टिप है फ्रेंड्स। और फोर्थ नंबर टिप में देखेंगे, कच्चे आम की सब्जी बनाते समय उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दिया जाए तो सब्जी खट्टी मीठी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और नेक्स्ट टिप देखेंगे, फाइव नंबर टिप में ऐसे ही अगर ककड़ी की सब्जी में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया जाए तो हो सकता है ककड़ी की सब्जी आपकी फेवरेट सब्जियां में आ जाए। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और सिक्स नंबर टिप में देखेंगे, ब्रेड पकौड़े बनाते समय बेसन में अगर थोड़ी सूजी मिला ली जाए तो वे बहुत ही करारे बनते हैं। और सेवन नंबर टिप में देखेंगे, बेसन की बर्फी बनाते समय अगर बेसन को पहले सूखे आटे के रूप में ही भून के बाद में घी मिलाया जाए तो स्वाद में चार चांद लग जाते हैं, साथ ही बेसन कच्चा होने की आशंका भी नहीं रहती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा टिप है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट टिप देखेंगे, एट नंबर टिप में, अगर समोसे मैदे की जगह बेसन के बनाए जाए तो ये कम नुकसान करते हैं, क्योंकि मैदे ने हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। बेसन के समोसे बनाते समय अगर बेसन में थोड़ी सी सूजी मिला ली जाए तो बेलते समय आटा टूटता नहीं है और समोसे करारे बनते हैं। आज मैंने बेसन की सूजी की कचौरियाँ बनाई है, बेहद स्वादिष्ट बनी थी। और नेक्स्ट टिप देखेंगे, 11 नंबर टिप में, बूंदी के लिए चाशनी बनाते समय अगर उसमें इलायची और थोड़ी सौंफ मिला ली जाए तो बूंदी का स्वाद बेहद अलग सा हो जाता है, जो कि खाने की में आपकी भूख को डबल कर सकता है। अगर आप डाइटिंग पे है तो इसे इग्नोर करें। और नेक्स्ट टिप देखेंगे, 12 नंबर टिप में, छोले बनाते समय उसको पहले ही अच्छे से उबाल लेना चाहिए। उसकी ग्रेवी हमेशा टमाटर प्याज को मिक्सर में ग्राइंड करके तैयार करें, फिर तड़का लगाएं। और नेक्स्ट टिप देखेंगे, 13 नंबर टिप में, अगर आपको लौकी की सब्जी पसंद नहीं है पर लौकी खानी जरूरी है तो आप उसका रायता, खीर, हलवा, बर्फी और उबाल कर चाट के रूप में भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सेहतमंद होता है। और नेक्स्ट टिप देखेंगे, 14 नंबर टिप में, अगर आप आलू मटर की यारी से तंग आ चुके हैं तो आप मटर की दाल भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। और नेक्स्ट टिप देखेंगे, 15 नंबर टिप में, तुरई की सब्जी अगर दूध डाल के बनाई जाए तो लाजवाब बनती है। और नेक्स्ट टिप देखेंगे, 16 नंबर टिप में, गुड़ के शक्करपारे बनाते समय गुड़ की चाशनी में थोड़ा नमक डाल दिया जाए चुटकी भर तो आप पारे खाने से उबेंगे नहीं। और नेक्स्ट टिप देखेंगे, 17 नंबर टिप में, सब्जी में धनिया पाउडर की जगह अगर साबुत धनिया जो लहसुन के साथ कूट के डाला जाए तो सब्जी के स्वाद को बहुत ही बढ़ा सकते हैं। और 18 नंबर टिप में देखेंगे, उड़द दाल की कचौड़ी बनाते समय दाल के मसाले में अगर लाल मिर्च की जगह काली मिर्च डाली जाए तो स्वाद अच्छा आता है। और 19 नंबर टिप में देखेंगे, रोटी के आटे में अगर 2 चम्मच बेसन मिला लिया जाए तो रोटी पकाते समय आने वाली खुशबू से सबकी भूख बढ़ जाती है।
और 20 नंबर टिप में देखेंगे, हलवा में हमेशा उतनी ही चीनी डलती है जितनी आपने सूजी डाली है, इसलिए जिस कटोरी से आपने सूजी नाप के डाली है उसी कटोरी से उतनी ही चीनी डालिए। हलवे में मीठे का कम ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।